जय हिंद। आप देखिए कि आपके घर के अंदर कहीं भी कबूतर अपना घर बनाता है, तो आप लोगों की ऐसी दया रहती है कि कई लोग रहने देते हैं, कुछ लोग उसके खाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बाकी के कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बोले मेरा घर गंदा हो रहा है। और उसके बाद ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे को वो लोग गलेरी के बाहर निकाल देते हैं या घर के बाहर छोड़ देते हैं, कम से कम किसी NGO तक को फ़ोन नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, 25, 28 दिन, 30 दिन तक पालने के बाद माँ को इतना सहती है, उसके माँ की आप तपस्या देखिए, तो उठती तक नहीं अंडे पर से, और आप लोग उसको उठा देते हो तो आप फेंक देते हो, कहीं भी गलेरी के अंदर रख देते हो। किसने हक दिया आपको? ठीक है, आप उसके नेचर में आए हो, आपने जंगल काट के फ्लैटे बनाए हैं, कोई बात नहीं, चलिए आपने इतना महान काम किया, फिर भी आप घर के बाहर रखते, अरे किसी बॉक्स में रख दो, थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा, ये फ्लाइंग करने लगेगा, उड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, इसके सिर को तोड़ दिया गया है, वो कौवे मारते हैं, दूसरे कबूतर चोंच मारते हैं। तो ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता है, हो सके तो इनकी मदद करिए, कम से कम निकालिए तो नहीं। जिस तरह से पृथ्वी पर रहने का हक इनका है, आपका है, उसी तरह से सबका है। ये जानवर भी पृथ्वी के हैं और आप भी पृथ्वी के, क्योंकि इंसान भी एक प्राणी है। तो ऐसा ना करें, कुदरत से डरें। जय हिंद।